500 इंसानों के साबुन आते थे, पैसों के भी आने लग गए देखो। और मैं कह रहा हूँ भाई को ट्राई करके देखियो, गोरी हो जाए क्या पता भैंस। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी सुबह 10:30, तो चलिए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत, देखते हैं आज के दिन में क्या क्या होता है। जो भी होगा ब्लॉग में पता लग जाएगा, बाकी मेरे को भी नहीं पता रहता, हो तो जो भी शूट होना होता हो जाता है ना। तो चलिए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। चलो सबसे पहला काम अपना चाय। मैंने सोचा चाय में मटर डाल रखे थे, तो मैं ब्लॉग शूट कर रहा था, मैंने कि ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं साथ में, अभी ध्यान आई यार मैंने करा ही नहीं, 10:30 हो गए तो ऐसे ही रह गया, मटर अब डूब जाएगा लग रहा है। भाई साहब है तो कड़क, वैसे नहीं डूबा देखो, इतना होना चाहिए वैसे है ना स्ट्रॉन्ग, वरना अंदर तैरने लग जाते। सो अभी एक दोस्त आ रहा है लस्सी ले, गाँव से मंगा रखी है एक छारा गाँव से, तो भाई बाइक पे आ रहा था तो ले आते, फोन आ गया। सो मेरे को तो बुला लिया भाई ने, ये दुकान साइड आ गया मैं, अब पता नहीं कहाँ रह गया, फोन करा दिल्ली गेट में, यहाँ से 1 मिनट लगता है यार, पता नहीं मेरे 5 मिनट हो गए खड़े। आ जा भगा ले, शर्म आई थोड़ी सी, 1 मिनट कह गया, आधा घंटा खड़ा कर दिया। और सुना ठीक है, चल घर चले और जाओगे काम है के खाओगा बता, तुम मैंने डाइटिंग पे स्लाइस की बोतल अपनी आ गई है लस्सी वाली, आओ मैं 1 मिनट रुकिए। थोड़ा लस्सी तो आ गई है, और एक बार भाई के साथ जा रहा हूँ थोड़ा मार्केट साइड में, तो भाई का भी काम है मेरा भी काम है, दोनों काम हो जाएंगे ना। तो आजकल मास्क जरूरी है, तो भाई मास्क पहन लेते हैं, चलान हो रहे जज्जर में भी अब, तो जिसको नहीं पता हो तो पहन लो भाई, न्यूज में पढ़ी थी मैंने कल 25 चलान हुए। बेसिकली बैंक आना था मैंने एक बार, तो ये फॉर्म लेने थे, एड्रेस चेंज करवाना है ना, पहले दूसरा एड्रेस था अपना, तो अब यहाँ वाला करवा लेंगे जो आधार कार्ड लेके आया उसमें से। चलो भाई सर, ट्रेड फेयर लगा था, अब पूरा साफ हो चुका है, देखो मैट ऐसे ही छोड़ गए बेचारे फटे फुटे। सो भाई को गद्दे लेने थे, तो मेरे को तो पता भी नहीं था गद्दों की मार्केट का, पता लगा एक गली है पुराने बस अड्डे आते टाइम, तो यहाँ गद्दे ही गद्दे हर जगह, तो किसी को लेना हो भाई यहाँ से ले लेना, अभी पता लगी मेरे को भी। देख भाई तू कवर देख, इतना सोफे बैठते हैं। सो ये सही लगा अपने को तो सोफा सेट सही है ना, 2 सोफों का सेट है साथ में ये, पर वही है ना घर भी होना चाहिए हिसाब का, अपने हिसाब का तो नहीं है, और मतलब तगड़ा बना हो तो बढ़िया उसके लिए। सो भाई कद्दू के रेट तो पूछे भाई ने, भाई कह रहे एक दो जगह और पूछते हैं, जहाँ बेस्ट रेट मिलेगा वहीं से लेंगे ना, यूँ है पहले रेट डिसाइड करना जरूरी है, यही है अपने मिडिल क्लास वालों के हाथ भाई, एक जगह से मैं सुनते तो ले नहीं सकते ना। बैस के नान का साफ ठीक लग रहा है। इंसानों के साबुन आते थे, पैसों के भी आने लग गए देखो, और मैं कह रहा हूँ भाई को ट्राई करके देखियो, गोरी हो जाए क्या पता भैंस आगे, हो सकता है गोरी हो जाए क्या पता, थोड़ी बहुत काली होती है ना। सो ऐसे जाते हैं झूले देखो क्रेन में डाल के ट्रकों में, तो भाई के साथ अपने टूर चल रहे हैं, मंडी आ रहे हैं सामान लेने, यूँ है ना गाँव से आना पड़ता था, एक बार में जितना ले जा सको ले जाओ, कौन कौन आ रहा है, कौन आ रहा है बार बार 10-12 किलोमीटर दूर से। सो टाइम होगा 1:45 और अब जाए घर आया हूँ, तो अब नहाऊंगा मैं, बस सुबह मतलब 11 बजे करीब निकला था, लगा लो टाइम लगी ज्यादा किसी के साथ जाओ इधर उधर ना, तो अब लगा लो 1:45 हो गए, अब नहाने का टाइम हो रहा है मेरा, नहा के रेडी हो गया मैं, और यहाँ काम चल रहा है हमारा, ये देखो। सो यहाँ मंदिर के भी कपाट बना रहे हैं अब, मतलब पर्दा टाइप लगा के, जिस तरह जब जोत जलाएंगे उस टाइम पे खोलेंगे इस तरह, तो ये मम्मी ने बनवा दिया देखो, मस्त लग रहा है ना, और ये साथ में धागा होता है ना रक्षा धागा कहते हैं जो, वो बांध रखा है, रोली कहते हैं कोई, मोली कहते हैं, सब अलग अलग कहते हैं। सो फाइनली मम्मी ने लगा दिया कपाट मंदिर के, और एक बार खोल के और दिखाइयो, टन टन क्या मस्त लग रहा है ना देखो, कपाट होने के बाद और मस्त लगता है खोलते, एक वो बटन वाला होना था, बटन दबाते खुल जाते हैं। सो अपना लंच रेडी हो चुका है, जो कि है पहाड़ी बड़ी और भात। सो टाइम हो गया 4:45 और आ चुका है पंकज दिल्ली से, और ब्लॉग व्लॉग थोड़ा बहुत शूट किया है इसने, तो वो देखूंगा एक अलग से बना के डालूंगा, ये बंग क्या है क्या नाम से जाएगा, गुरुद्वारा बंगला साहिब, और सीपी 2-3 जगह गए, डीयू में बनाई थोड़ी बहुत बनाई जो भी बनाई है, तो ब्लॉग देखता हूँ कैसा, अगर एडिट हुआ अच्छे तो वो भी डाल दूंगा अलग से, पंकज का दिल्ली का टूर जो भी किया इसने। सो फाइनली पंकज आ चुका है, अपनी डिग्री ले आया है, ये इसकी डिग्री है, ये बाकी मतलब टेम्परेरी वाली डिग्री है, मतलब दिख नहीं रहा होगा कुछ आपको क्योंकि ये है डिग्री। डिग्री में क्या क्या होता है देखो, कितने सब्जेक्ट है, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटी, एजुकेशन, ये क्या दो बार एक सब्जेक्ट, अच्छा सेमेस्टर वाइज अलग अलग है, तो कुल मिला के ये पंकज की डिग्री है। सो टाइम अगर रात के पौने 9, और हमारी मोटर खराब हो गई थी, दिन भर उसी में लगे हुए थे, तो इस चक्कर में दिन में बिल्कुल लॉक शूट नहीं हुआ, अब मोटर सही करा के लाए, और अंकल को बुला रखा प्लम्बर अंकल, वो फिटिंग करेंगे अब, बाकी तार अर्थिंग बताओ सारा बंद करने के बाद भी अर्थिंग मार रही है तार मोटर वाली, तो पता नहीं समस्या आती रहती है।
ये अभी इन्वर्टर पे चल रहा है सब कुछ, क्योंकि वो मेन स्विच बंद कर रखा है ना, पावर आता है इससे। झटका तो नहीं आया अरे छोटू, निकाल दिया भाई, ये काम करने में बिजली का काम है ना। सो इससे आर्थिक में कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे बिजली विशेषज्ञ आ गए। हाँ भाई देखो, ये अर्थिंग नहीं करंट आ रहा, अर्थिंग अलग होती है। अंकल को झटका लगा पूरा, हाँ भाई देख लेंगे एक बार, तसल्ली हो जाएगी। लाइट चालू तो मतलब अच्छा, ये ऊपर करके खत्म हो जाएगा। चालू में तो आया था, तभी तो बंद किया। लो चालू में भी आया था, करो अब कंफर्म करो, अब चेक करो, आ रहा है ना। मोटर भी आ रहा है, मोटर तो तार से कनेक्ट हो गया, आएगा नहीं उस पे तो मोटर भी क्या आएगा नहीं यार। बस चलो, मतलब वही चीज थी है। वो क्लियर करना जरूरी है, चप्पल उतारे पता लग जाता है अर्थिंग का। वही है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ज्यादा। चलो चला, ऐसी करेगी आवाज। चलो पहले तो बहुत तेज कर रही थी ना, अब ठीक। हाँ बैरिंग बदल दिया ना, वो खड़ खड़ कम हो गई। चलो अब सही हो गया। सो फाइनली हो गया मोटर का काम, ये जरूरी काम था ये, क्योंकि भाई पानी रोज चाहिए होता है तो इसलिए। बाकी क्योंकि आज खराब हो गई थी सुबह, और कल लाइट नहीं थी, खेलने गए थे उसके बाद से, तो दो दिन से पानी की बहुत समस्या हो गई थी। बाकी पानी था ऐसी बात नहीं है, तो मोटर सही कराना बहुत जरूरी हो गया था। सो आज मशरूम की सब्जी बना रखी है, तो पापा धमकी दे रहे हैं मेरे को, कह रहे धनिया डाल दूंगा जल्दी अपने कटोरी लिया। बताओ हमार मकोटा आमजे के मर में धनी खावे जो हम डरूल। तली हुई मिर्च के लिए वो रोज होता था कि तलनी, आज इतनी तलनी पापा ने, खाओ जितनी खानी है इसके चक्कर में। बाकी मैं भी खाऊंगा दो मिर्च तो आज, जब इतनी तली दी है। सो फाइनली खाना खा के आ गए नीचे। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद वीडियो लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। चलो और ये पास 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 पी बना हुआ है, नंबर और नंबर इतने खतरनाक नंबर पास।